कमेंट्स uh, पढ़ रहा था मैं नीता 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 नाम है uh, उनके साथ वीडियोस वगैरह तो बंद हो गई आपकी क्या बात क्या हुआ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, है। <laughs> छपरी दरअसल क्या मैं थोड़ा उस बैकग्राउंड से आया हूँ तो ये हम लोग पहले बोलते थे अभी ये सब नया नया नहीं लगता मेरे लिए छपरी छुपरी आवेश दरबार को कंपटीशन मानते हैं आप नहीं मैं ऐसे कंपटीशन किसी को नहीं मानता सब अपने अपने इसमें बहुत सही है तीन चीजें जो पीले रंग की हैं फ्लावर होते हैं ओके वेरी नाइस और अपना कफ पीला होता है जिनका हर अंदाज देखकर कुछ जाते हैं हिट कुछ जाते हैं अपने हित से भी अलग अलग होकर मिट मेरे साथ है रोहित आई एम ऑर्स याद वेलकमिंग यू टू फिल्म एंड फर्स्टली कमाल आई लव यू पर्सनैलिटी हर जगह आप हैं है ना हर जगह का मतलब है भाई साहब हर फीड पर मुझे दिखाई दे जाते हैं एंड दैट्स वेरी वंडरफुल जब इंसान हर जगह हमें दिखता है तो उसकी प्रेजेंस उसका अंदाज उसका uh, काम करने का तरीका हम सब चीज़ से रूबरू हो जाते हैं फर्स्टली हव यू कैसे हैं आप

आखे आपकी सट लग रही मुझे नींद में लग रही क्या है ना हाँ, नहीं, मेरे भी बुरे हाल आज तो बोलते मेरी गायब हो जाएगी भाई साहब आईब्रोज तो मुझे, नहीं दी। बर, मुझे ने बहुत ने सारे <laughs> अभी कहाँ से आ रहे सिद्धिविनायक जवा आए थे कैसा हाँ. लगा अब कितनी बार जाते हैं आप साल में साल में नहीं महीने में दो बार महीने में अरे वाह वंडरफुल कारण शांति में आज आपके पास छुट्टी का दिन था

या फिर थोड़ा डाइट फुट हो गया आई hmm. uh, आप थोड़ा सा जवाब लंबा दीजिए ताकि लोग और अच्छे से समझ पाए वेरी कट टू कट दो नंबर का सवाल नहीं है मेरे सवाल लंबे चौड़े होते हैं आई वॉन्ट आप पंद्रह नंबर के सवाल और जवाब दें मतलब पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा क्या hmm. क्या कर रहा हूँ क्या, क्या नहीं यस yes. लेकिन uh, इतनी सक्सेस मिलना यू वेरी यंग है ना uh, तमाम चीज़ें होती हैं सक्सेस के साथ अलॉट ऑफ थिंग्स जो आपको गिराती भी हैं वो भी आते हैं कमेंट्स भी आते हैं ट्रोलिंग भी आती हैं तमाम चीज़ें आती हैं बट जब हम नए होते तो हम समझ नहीं पाते कि कैसे है ना इन सारी चीज़ों को मैनेज करना है बट आपने सब कर लिया है ना यू मैनेज दैट आपने अच्छी सी चीज़ों को समझ लिया कैसे कर पाए नहीं पहले जब मैंने स्टार्ट किया तब बहुत सा ऐसा फेस किया है मैंने बहुत सी चीज़ें सामने आके भी लोग बोलते थे मुझे और आजकल भी थोड़ा थोड़ा होता है बट उस टाइम पर क्या क्या बोलते थे वही ऐसे चिल्ला दिया जोर से देख के मुझे ऐसे कुछ भी अलग अलग नामों से या कमेंट कर दे कुछ कुछ लोग कमेंट तो मैं पहले से नहीं रिप्लाई देता ना आज भी रिप्लाई देता कोई नहीं। नहीं। भी कमेंट का और उस टाइम पे मैं रिएक्ट करता था बट आज में नहीं कर रहा क्योंकि उस टाइम पे मैंने रिएक्ट किया था बट तो मुझे नुकसान हुआ उस चीज का क्योंकि उसमें क्या हुआ मैंने कीचड़ में हाथ डाला तो मेरा हाथ खराब हुआ तो अभी मैं किसी को कुछ रिप्लाई देता ही नहीं फिर बाद में उसको वो आदमी को रियलाइज होता है कि

प्रधानमंत्री तो मैं बन ही सकता <laughs> हूँ क्यों क्यों अगर 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 तो जो, जो मुझे करनी है वो चीज अगर हो सकती तो प्रधानमंत्री खुद ही कर देते मुझे बनने का मौका ही नहीं मिलता ना तो वही जो चीज मुझे मैं चाहता वो हो ही नहीं सकती तो मैं क्या ही करूं प्रधानमंत्री अगर अगर मतलब की मौका मिला तो क्या क्या कर सकते हैं आप और अगर पॉसिबल है तो वही सबसे नॉर्मल चीज गरीबों को सेटल करता सबसे पहले हाँ भाई गरीबों को सेटल करता जो विधवा जो औरतें उनके लिए अच्छा, अच्छा सा सेवा कर। करता यही सब चीजें करता जो अच्छी अच्छी चीजें है दूसरी चीजों पे कम ध्यान देता डिजिटल क्रिएटर्स के लिए क्या करते हाँ उनके लिए मतलब जो जो क्रिएटर्स है उनके लिए बोलता की अच्छा ही मैसेज दिखाओ ज्यादा भी कुछ गलत क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे क्या बहुत अलग अलग चीजें ही फैल रही है hmm. पहले जैसी चीज नहीं रही hmm. तो भाई वो एक वो रखता कि लिमिट्स में ही रहो क्रिएटर्स hmm. जो मतलब कुछ कुछ है जो गंदगी फैला रहे सोशल मीडिया hmm. पर कुछ कुछ है बहुत अच्छा ग्रो कर राखी सावंत का नाम ले रहे आप नहीं नहीं मैं किसी का नाम ही नहीं लेता कभी ब्रो <laughs> <laughs> कैसी लगती राखी सावंत आपको कुल cool. है ना मस्त वाइब एकदम एकदम कूल मैंने पहली पॉडकास्ट राखी सावंत के साथ की थी यहीं इसी सोफे पे आई रिम्बर हम रो भी रहे थे और हम हंस भी रहे थे एक समय पे ये सिर्फ राखी सावंत के जलवे हैं वही करवाते वो चीज़ करवा वही कर सकते हैं भाई साहब मेरा मेरा जो सी है कंपनी का वो यहाँ पर लिट लिट की हंसा है उस दिन ऐसी ऐसी बातें वो निकालती है ना मजा आ जाता है लेकिन आप खुद कैसे टाइम पास करते हो वट इज़ योर वे ऑफ यू नो चेकिंग डिजिटल स्पेस आप क्या क्या खुद देखते हो लाइक like मैं मैं रात को रणवीर बरार भी देख लेता हूँ है ना मेरे को पता नहीं क्यों रात को मेरे को फूड वाले आते हैं कोई पता नहीं कविता किचन खुल जाता है मेरा अचानक से केक देख रहा हूँ आजकल मैं बेकरी शोज देख रहा हूँ पता नहीं क्यों देख रहा हूँ मैं पर मैं देख रहा हूँ और फिर एक, एक पता नहीं कोई एक है क्रिएटर पता नहीं कहाँ से वो मेरी फीड में आती है वो मस्त ट्रेन में ट्रैवल करती है वो अपने कॉलेज जाती है पता नहीं मुझे क्यों इंटरेस्ट है उसके कॉलेज रूटीन में मैं वो भी देखता हूँ इंस्टा पे तो आप क्या क्या देखते हैं खुद जब फ्री होता हूँ हाँ कॉन्टेंट ढूंढता हूँ खुद के लिए कि क्या मैं काम कर सकता हूँ क्योंकि अभी

तो आप नेक्स्ट वीडियो में यही एक्सपेक्टेशन रखोगे कि यार ये और अच्छा बना के या तो मैं वही वही चल रहा है अभी और कैसा होता है कभी कभी चीज़ें नहीं मिल पाती तो मेरा अभी काफी सारे वीडियो के कंटेंट लाइनअप है जो बनने बाकी है तो उनके मैं पीछे पड़ाऊँ अभी तो शूट था और कैंसिल भी हो गया था अभी लास्ट जो दो दिन की मैं जो बोल रहा बोरा सोया नहीं हूँ उसकी वजह से एक शूट था वो कैंसिल हो गया मेरा और परमिशन नहीं मिली क्योंकि मुझे ड्रोन वोन उड़ाना था और थोड़ा

मैं को हो, ये भी हो गया मेरा बेंच मार्क साइट अब क्या बचा है अब मुझे हेलीकॉप्टर में इंटरव्यू करना है पता नहीं क्यों तो आपका मन हो कभी भी उड़ने का तो मुझे बुला लीजिएगा मैं मौजूद रहूंगा धक्का नहीं देना है मुझे उस दिन मैं आपका इंटरव्यू लूंगा अरे वाह वंडरफुल अगर अच्छे सवाल नहीं फिर मैं जरूर धक्का दे सकता हूँ आपको विदाउट पैराशूट दैट फिर करना आप जय माता दी नीचे आते आते हम दोनों उड़े, उड़ेंगे और नीचे आएंगे लेकिन आ, लो डेज भी रहे हैं है ना रोहित हमेशा सूरज सुहावना नहीं होता कभी कभी सूरज को देख के गर्मी भी लगती है कभी कभी चलो सर्दी के मौसम में तो हम कहते हैं चलो बाहर जाके देख लेते हैं सूरज कैसा है आज आई वॉन्ट टू नो दैट स्ट्रगल पीरियड इज समथिंग जो आपको बहुत कुछ सिखा देता है एंड वही पीरियड है जो आपको अच्छा इंसान बनाता है बुरा इंसान बनाता है और आपको आपको हर चीज़ सिखाता है तो मुझे वो जानना है रोहित ने वो सब डील किया और यहाँ तक आया अब उसके पास सब कुछ है है ना आई बिलीव प्यार भी हो गई नहीं प्यार मतलब कौन सा ऐसा पर्सनल प्यार होता है ना एक नहीं अभी फ़िलहाल तो नहीं है हाँ सेम कोई बात नहीं ऐसा सबके साथ हो रहा है <laughs> तो मैं जानता हूँ अभी स्ट्रगल की बात करते फिर मैं उधर आऊँगा तो मुझे बताओ ना कितना मुश्किल था यार यंग इंसान के लिए डिजिटल स्पेस भी है अब आपकी जो जो डिजिटल लाइफ है उधर आपको गालियाँ पड़ रही हैं लोग है ना कुछ कुछ लिख रहे हैं फिर आपकी पर्सनल स्पेस है या आप योर फैमिली आपको उसका भी ध्यान रखना है लोकेलेटी भी है उनकी भी चीज़ें देखनी है अपनी चीज़ें भी हैं कपड़े भी मैनेज करने हैं शूट के लिए ये सब वो सब कैसे दरअसल क्या है पता है पहले ये सब चीजें समझ नहीं आती थी जब मैंने स्टार्ट किया था hmm. फिर ग्रो तो में हो रहा था hmm. ग्रो बट क्या होता है कभी कभी तुमको टाइम के हिसाब से काफी सारी चीजों में चेंज लाना पड़ता है तो वो मुझे अच्छा हुआ जल्दी समझ आया hmm. क्योंकि मैं मैं क्या करता हूँ हमेशा दूसरों को देखता हूँ hmm. कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या कर रहा है मुझे जहाँ से सीखने मिलते हैं वहां से सीखता हूँ अभी आप भी मुझे कहीं यहाँ कहीं कुछ बात बोलोगे वो मुझे पसंद आएगी तो मेरे माइंड में लाइफ टाइम के लिए बसी रहेगी तो ये चीज में है कि और ये एक एक है कि मैं जैसे पहले रहता था बस अभी क्या हुआ है कपड़े चेंज हुए मेरा थोड़ा फेस थोड़ा चेंज हुआ है पहले से थोड़ा स्मार्ट दिखने लग गया हो पहले से तो पहले ये सब था बट अभी कैसा चेंज करता रह रहा हूँ खुद में बट जो मैं बर्ताव कर रहा हूँ जो मैं बातें कर रहा हूँ मेरी सेम है बस पर्सनलिटी में चेंज हुआ है और क्या एक वो कहते हैं ना कि संभालना है फैमिली को एक मतलब ये सारा काम भी है और hmm. फैमिली को भी तो वही मेरा क्या होता है मैं एक अपना स्केड्यूल बना के रखता हूँ इतना इतना दिन में काम करूंगा फिर उसके बाद मुझे सूरत जाना है फिर उसके बाद मुझे वापस आना है फिर ये वापस काम करना है hmm. फिर अगर कहीं जाना है तो उसका पैकिंग करना है hmm. तीन चार घंटे पहले फ्री होके मतलब ये साला तामझाम 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 चलता रहता है hmm. फिर इसमें क्या होता है कुछ कुछ चीजें पीछे छुट्टी है फिर उसके पीछे भागो फिर ये छूटता है मतलब बहुत अभी क्या पकड़ नहीं पा रहा सारी चीजों को बट अभी चल रहा है चल रही चीजें दा हाँ, <laughs> <जा> <laughs> कुछ कुछ हाँ, तो वही, वही। <laughs> अभी क्या होता है आज बहुत नाम बना लिया बहुत लोग जानते है बट कुछ कुछ ऐसा भी कुछ कुछ ऐसा भी पार्ट आया लाइफ में कुछ अपने लोग हैं वो पीछे रह गए छूट गए पीछे और कुछ नए लोग हैं जो जुड़ गए ऐसा ऐसा भी एक आया है बट लाइफ का रोल है अभी दुख तो बहुत होता है जो इंसान आपको शुरू से जानता है वो अगर छोड़ जाए या वो छूट जाए तो सबसे सबसे बड़ा दुख वो होता हाँ। कैसे मैनेज किया वो दुख क्योंकि फिर भरोसा नहीं होता बहुत मुश्किल मैनेज करना है। मतलब कैसा है तुमको फेक बहुत बनना था फेक ऐसे तुम लोगों के सामने बस स्माइल करो और वो जो तुम्हारा अकेला टाइम है उस टाइम पे तुम जो है खुद को खोज सकते हो आप उन पार्टीज में जाते हो या आजकल बहुत पार्टीज वाला ट्रेंड है पता नहीं क्यों मैं हर इंटरव्यू में पूछता हूँ मुझे तो बड़ा मजा आता है वो आजकल होती है ना बहुत स्टाइलिश पार्टी अच्छे कपड़े वाले लोग यू नो फुल टिप टॉप और फिर आप जाके कहते हैं ओह हाय कहाँ थे आप पापी को तो ढूंढ रहा था मैं फिर पीछे ही मुड़ते हरामी करता यहीं पे दिख गया मुझे यू नो दैट ऑल आप हैपेंस ही सब होता है जाते हैं आप ऐसी पार्टीज में या बहुत प्राइवेट किस्म के इंसान है नहीं मतलब ऐसे पर्सनल मतलब मैं ऐसा नहीं की वैसे मैं पार्टी पार्टी नहीं बट ऐसे कुछ कुछ हुआ मेरा मतलब समझो अभी लास्ट टाइम मैंने दोस्त दोस्त सारे दोस लोगों के साथ मिलियन पे किया था तो ऐसा तो तो काम होता है मैं वही जाता हूँ नॉर्मल बिना ऐसे नहीं जाता <laughs> उसको काम करना बोलते जहाँ काम होता है वहां पर जाना इस काम करना हाँ। अगर मेरा मीटिंग्स है पर्सनल मीटिंग्स है पार्टी में तो मैं जाऊंगा काम के लिए जाऊंगा okay. काम मतलब वो पेड़ वाला काम नहीं चलो आ, ऐसे बाकी ऐसे बुरा या नहीं करूंगा अरे अरे तो तो यार क्या है कौन ऐसे नहीं <laughs> रिजेक्शन भी सही होंगे ना बहुत सारे रिजेक्शन भी तो होती हैं शक्ल को देखकर हो जाती है मेरे को तो बहुत होती है भाई आज भी गालियां खाता हूं मैं तो मेरे तो फॉलोअर्स खैर आपके एक परसेंट भी नहीं है बट स्टिल बहुत गालियां खाता हूं मैं डेली तो वो तो चलो है जो है लेकिन इन पर्सन कभी किसी ने सबसे बड़ी गंदी कोई लाइन बोली आपको कि यार ये दिल जाए ऐसा दिल नहीं नहीं मुझे को मुझे से कोई में कोई में कुछ बुरा बोलता ही नहीं पार्टी के कोई नहीं बोले, वो सारे नहीं। करते हैं अच्छे से बात करते मैं भी उनके साथ बहुत अच्छे से बात करता हूँ तो आपको लगता है वो दिल से बोलते हैं अभी को बोलेंगे तो फिर वो

मैनेजर मैनेजर रखते होंगे आपके सारे पैसे आप तो 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 आप ऐसा कंगाल नहीं मेरा पैसा तो मैं manager, मेरा पैसा <laughs> so uh, ही संभालता काम संभालते सो गुड फैन मोमेंट कोई सबसे खास जो बट अभी भी बोलूँ वही मेरे लिए एक यादगार मोमेंट और हमेशा रहेगा भी लाइफ में एक मेरा फैन था मतलब वो मुझे मिला नहीं आज तक नहीं। तो जहां पे मैंने टैटो सबने कराया सूरत में वहां गया और उसको ऐसा था कि उसको मेरा फेस अपने चेस्ट हाँ चेस्ट पे ये ड्रॉ करना था टैटो करना था अरे फिर मेरे टैटो आर्टिस्ट ने मुझे कॉल किया कि ऐसे कि ऐसे करने के लिए बोल रहा है कि हम लोग करेंगे नहीं तू परमिशन देगा तो हम लोग करेंगे मैंने बोला मत कराओ उससे मेरी बात कराओ तो मैंने उससे बात किया मैंने बोला कि भाई तू क्यों कर रहा है मैंने बोला ये सब तो क्यों कर रहा है देख मैं तुझे ना मिला हो और तूने मुझे सिर्फ फोन में देखा है hmm. तू तो ये सब चीजें तो क्यों कर रहा तुझे है तुझे टैटू करना आया था तो कुछ ऐसे क्या चीज तुझे प्यारी लगती है या तेरा मॉम का घर सिस्टर का घर फादर का घर बोलता है नहीं भाई मुझे तुम्हारा टैटू करना है hmm. और बोलता है अगर टैटू इधर नहीं करेंगे तो मेरे पास और टैटू वाले मैं वहां जाके करा लूंगा hmm. मैंने बोला देख भाई तू कहा रहता है मैंने उसका एड्रेस पूछा वो अहमदाबाद रहता था मैंने उसको पूछा मैंने बोला देख भाई तू टैटू मत को तू आज घर जा

वो तो रियल लाइफ में भी उनकी पर्सनैलिटी पसंद है मैंने भाई उनका एक एक इंटरव्यू किया मैंने उनका ज़िंदगी में सिर्फ एक एंड वही पता नहीं कैसे हो गया सिर्फ तीन सेकेंड का इंटरव्यू है वो एंड <laughs> <laughs> उसमें मैंने कुछ तो पूछा था पंजाबी पिक्चर्स के बारे में पूछा था वो एक पंजाबी फिल्म की स्क्रीनिंग थी मैं गया मिले मस्त मिले वो है ऑफ़ कैमरा मस्त मिले हाँ ये वो वो आपका नाम क्या कैमरा खेला दूँ सर मैं ये वो मुलाकात हुई और वो भाग रहे थे ऑफकोर्स रश होता है वहाँ पर तो मैंने पूछा कि आपको कैसा लगता है पंजाबी फिल्मों के बारे में कहता तो हूँ पंजाबी यार खत्म <laughs> बस बस माइक ड्रॉप उसके अलावा कुछ नहीं है वो एंड वो तीन तीन सेकंड का कंटेंट मैंने यूज़ किया हो है, गया, हो गया, वो। बकाए गया वो मैं के बस हो गई प्राप्ति हो गई मुझे सिद्धिविनायक कि मैं जा, जाके चला जाता हूँ मिलाता हूँ सबसे तो देट हैपन संजू के अलावा हमारी इंडस्ट्री में बहुत कमाल के एक्ट्रेसेस भी हैं आपको पता ही है उनमें से कोई एक पर अगर आपको क्रश है तो

कंटेंट देखता हूं मैं स्टॉक नहीं करता लोगों को तो फिल्म्स के जरिए आप उनको ऐसा पसंद कर रहे हैं ये वैसे भी हाँ मतलब अच्छे लगते हैं हंसते तो अच्छे लगते हैं। अरे वाह लुक एट हिज फेस ब्लशिंग ऑल ओवर कोई और एक्ट्रेस नहीं पसंद कितनी सारी है यार यार मैं ऐसे किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहूंगा हाँ। बट ऐसा नहीं कोई अच्छा नहीं लगता बट ये थोड़ा अच्छे लगते हैं तो है क्या की कभी कभी कोई लड़की आपको ऐसा पर्सनली जिंदगी में नहीं मिली हंसी तो फिर है ना फूल खिल जाए तो होगी नहीं नहीं हाँ, बताओ, बताओ। दूर, दूर इस मामले में क्या किया वक्त ने हंसी से तम नहीं वक्त ने कुछ नहीं किया मुझे अभी थोड़ा काम पे ध्यान देना है वक्त तो बहुत अच्छा चल रहा है ना आपके पहले वो ब्रेकअप मतलब हाँ बट अभी वो कहते ना वो Hmm. जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो वैसा वाला नहीं हुआ है अभी तक तो. वैसा कैसा ऐसे uh, की लाइक like, मिल रहे है रोज oh. प्यार हो रहा है रोज बचपन बचपन में में भी नहीं नहीं हुआ हुआ कभी बट वो तो तब समझ नहीं आता था ना hmm. अभी दुनिया समझ रही है तो और प्यार के लिए अभी अपने पास थोड़ा उस, उस नहीं उसके उस चीज उस के लिए मतलब अभी सोचा नहीं है अभी ज्यादा काम के लिए सोचा तो जब प्यार करेंगे तब अभी सब लिख के रखेंगे बकेट लिस्ट में कि क्या क्या करना है फिर वो जब प्यार होगा तब करेंगे अच्छा मान लो एक बहुत सुंदर कन्या है वो डेट करना चाहती है आपको एंड आपको भी वो अच्छी लगती है क्योंकि अच्छी दिखती है वो दिल की भी साफ़ है आपने ऐसा ना पूछा भी तो भी पता चला कि नहीं इज़ वंडरफुल गर्ल और आप एक बार मिले भी हैं मान लीजिए तो आपको अच्छा लगा कि नहीं नहीं शी इज़ अ गुड गर्ल चलो मिलते हैं दूसरी बार तो आप डेट पर कहाँ लेकर जाओगे और uh, मतलब कि व्हाट विल बी योर प्लान आपका दिन का प्लान क्या रहेगा अगर आपको उसके साथ हाँ अगर पूरा दिन मेरे पास फ्री हो तो पहले तो आप अपने मैनेजर्स को नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे नहीं, सबको मैनेजर सबसे पहले क्या करेंगे आप <laughs> पिकअप करूंगा उसको ओके वाओ, वेरी नाइस हाँ यार मैंने ये सब सोचा है अभी यार कैसे नहीं सोच सकता रोहित कोई इतनी अच्छी जिंदगी है हमारी पर्सनल स्पेस का तो सोचना बहुत जरूरी है मुश्किल है बहुत मेरे कोई भी भी पसंदीदा जगह जहाँ लेकर जाना चाहे खिलाना चाहें हाँ सूरत में है मतलब इसे इसे ज्यादा करके तो ऐसे बहुत चिल, चिल पसंद है हुँ, बिंदास हुँ, तो सूरत में है एक जगह कौन सी एक एक पॉइंट है जहाँ पे रिवर है और एक बैठने के लिए एक अच्छा बना है ओके तो मैं पहले जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर तो मैं वहां जाके बैठता था ऐसे मॉर्निंग में जब भी टाइम मिलता था अकेला तो मैंने उस टाइम पे एक सोच के रखा था कि जब प्यार होगा तो तब इधर आऊंगा उसको लेके साथ में तो पहला पॉइंट वो रहेगा उधर जाके बैठूंगा बातें आते चलेंगी थोड़ी फ्यूचर को लेके फिर उसके बाद शाम को कुछ आलू पूरी खिलाने लेके जाऊंगा सूरत में करूंगा डेट करूंगा तो। अरे वाह हाँ थोड़ा स्ट्रीट आलू पूरी पूरी खिलाने जाऊंगा जूस वूस पिलाऊंगा गोला वोला खिलाऊंगा बहुत सारी चीजें है करने के लिए बीच पे लेके जाऊंगा हॉर्स राइडिंग कराऊंगा बीच अरे वाह ये बहुत मुश्किल है और मैं बहुत खुलेआम बोलता हूँ ये चीज पता नहीं लोगों को कैसे पॉसिबल हो पा रहा है इंडस्ट्री में डेटिंग इज वेरी डिफिकल्ट एक तो ट्रस्ट के इश्यूज होते हैं लोगों को और दूसरा uh, एक अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है इंडस्ट्री में क्योंकि उनके भी करियर्स दाव पे लगे होते हैं हमारे भी लगे होते हैं उनको भी अपनी ग्रोथ चाहिए और हमें भी चाहिए तो जब ये आ, क्लैश हो जाता है तो रिश्ते बनने में बहुत मुश्किल होती है तो वही जानना चाहता हूँ इंडस्ट्री के लोगों से आप कितना अटैच हैं इंडस्ट्री के लोगों को डेट करने में यूर ओके okay, और अगर आपको नॉर्मल लड़की भी मिले तो भी यू फाइन मेरा मैंने पहले से सोच के रखा है मैं इंडस्ट्री की लड़की से शादी नहीं करूँगा हाँ ये स्टेटमेंट आज दे दी जिस दिन शादी हुई ना हम वही हरामी लोग हैं ऐसा ये फुटेज लगाते हैं परनीति चोपड़ा का के शो की फोटेज थी। की लड़की के की साथ आ, नहीं करूंगा शादी में क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मुझे खुद को ही देख के की बहुत से ऐसे लोगों को लगता है कि मैं रोज नई लड़कियों से मिलता हूँ तो जो मेरी पार्टनर होगी तो उसको भी ऐसे लगेगा ही ना तो एक ट्रस्ट वो चीजें रखूंगा उसको ऐसा तो साथ में लेकर घूमूंगा पर घर में तो रिश्ते आ ही रहे होंगे आपके नाम से ना जो रिश्तेदार होते वो तो पीछे छोड़ते नहीं है हमारे वो तो भेज ही रहेंगे लो भाई ले लो ले लो हमारी बेटी भी ले लो नहीं मुझे रिश्ते नहीं आते उनको पता है ना क्यों क्या उनको अभी, अभी शादी नहीं करूंगा <laughs> बस कोई रिश्तेदारी में भी पसंद नहीं आपको कोई होती है ना मैंने अपने रिश्तेदारों को ज्यादा मिला ही नहीं क्यों मतलब मिलना ही नहीं होता अभी इतना सारा ही मैं घर वालों को नहीं मिल पा रहा अभी अच्छे से तो रिश्तेदारों को का ही मिलूंगा मन क्या अब करना क्या है अच्छी खासी फॉलोइंग है दिखते भी अच्छे हैं कपड़े भी अच्छे डालते हैं प्यार की तलाश है, वो बात नहीं है नहीं। नहीं। तला, सबको तलाश होती है इसलिए अभी नहीं चाहिए ये जो हमारी लोगों की ईगो होती है ना जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है ये हम नहीं ये है मैं बता रहा हूं नहीं है ये बात है कि अभी तुम मैं बोल रहा हूँ ना भाई मैं बहुत बोला हूँ इस चीज़ में तो मैं वो नहीं चाहता कि यार मैं चले जाऊँ बह जाऊँ तो बस मैं एक वो चाहता हूँ कि एक जो ऐसी रहे कि जो सोचे हमेशा कि यार मेरे को ना चीज़ें बहुत जल्दी लग जाती है मन को और ऐसा नहीं कि मैं अगर मैं गलती कर रहा हूँ फिर भी मैं बातें नहीं सुनूंगा मैं सुनूंगा बट कभी कभी क्या होता है कि मैं

काफी लोग है जो पीछे छोड़ गए hmm. यही रीजन है तो यही रीजन है अवनीत भी वही एक रीजन है नहीं वो खास दोस्त नहीं थी ठीक है मेरा इंडस्ट्री में खास दोस्त कोई नहीं है अच्छा कोई नहीं है hmm. सब हाई बाय वाले ही है। मेरे, आ, आज तक आपने मुझे देखा होगा मेरा किसी के साथ कंट्रोवर्सी किसी के साथ घुमा hmm. घुमा फिरता नहीं हूं किसी के साथ नहीं फिरता मेरा काम है मैं अपना काम करता हूँ जो मिला हाई बाय कर लिया दूर से मिल ले बस मिल लिया बाकी ऐसा खास अपना कोई नहीं मेरे सारे जो दोस्त है पुराने ही दोस्त है नया कोई नहीं मिलेगा तुमको वंडरफुल एक सेगमेंट है जिसमें मैं आपको मस्त मस्त सवाल पूछने वाला हूं अब लोग मुझे सस्ता करण जौहर कहते ही हैं तो मैं तो पूरा दिल से लेता हूँ क्यों ना लूँ तो लिखा मैंने इंग्लिश में तो बी एबल टू तो ट्रांसलेट मैं आपको मस्त समझाऊंगा तो आपको जल्दी जल्दी क्विक जवाब देने हैं ना तीन चीजें जो पीले रंग की हैं फ्लावर होते है पीले

<laughs> तीन बॉलीवुड फिल्में जो डी से शुरू होती है खुशफुसार धड़कन धड़कन दिल धड़कने दो। धड़कन मूवी है। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है, दिल। दिल धड़कने दो दिल दिल हु दिल, दिल कौन है दिल मूवी है ना कौन है दिल में मूवी है दिल में कौन है वो नहीं पता तीन चीजें जो आप बेड में करते हैं सोता हूं ओके मूवी देखता हूँ

तीन <laughs> चीजें जो आप अपनी उंगलियों के साथ करते हैं <laughs> उंगलियों तो में उंगलियों से तो बहुत करता हूँ दोस्तों को दोस्तों को कौन सी दोस्त हैं वो दोस्तों को कौन सी नहीं सब कौन से वाले लड़के अच्छा, लौंडे सारे ओके मुझे लग, ओके या हाँ। हा, क्या करते हैं आप उंगलियों से उंगलियों से उंगलियों से मारता हूं उंगलियों से कैसे मारते हैं आप उंगलियों से क्या ऐ, ऐसे कौन मारता है ऐसे मारते हैं ना दोस्तों को इधर अच्छा, एक, एक वो चलो, चलो, उंगली कर, जिसको बोलते उंगली कर रहा है। एक वो करता हूँ उंगलियों से अपने बाल फेरता हूँ ठीक है हाँ। और उंगलियों से अपने फोन चलाता हूँ वंडरफुल वाह वेरी नाइस जवाब पहले वाले पे ध्यान दिया जाए उन्होंने बोलते मैं उंगलियां करता हूँ दोस्तों को दोस्तियों को अभी भी में किया है मेरे एक दोस्त को हाँ

हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा भी काम धंधा से देखो प्यार तो मैं बहुत करता हूँ हाँ। इंस्टाग्राम से बट अभी देश का पीएम ही बोल रहे तो कि उनकी बात नहीं डाल सकते ना टिकटॉक तो ने भी तो हमने भी देखा ही था हाँ। जो होता है ना फिर क्या करेंगे बैकअप प्लान क्या रहेगा इंस्टा तो चला जाएगा यूट्यूब है अपने पास यूट्यूब जो है ना भाई सबको घर दे रहा है <laughs> अब मैं हैशटैग दूंगा आपको कुछ जो दिमाग में आए जिस बंदे का आपके आ, आ, जो इन्फ्लुंसर दोस्त हैं आप उनका भी नाम मेंशन कर सकते हैं इट्स नॉट फॉर द टीआरपी वी डोंट नीड दैट हम अच्छे लोग हैं बट आप कर सकते हैं है ना तो हैश टैग आलसी मैं थोड़ा थोड़ा हूँ खुद ठीक अपना नाम बार बार नहीं लेना हैश टैग कामचोर हाँ मेरा दोस्त आरपी ओके लेट लतीफा हैश टैग लेट लतीफा हमेशा लेट हम्म मेरा एक दोस्त करण करण ओके okay. मेरा भी एक दोस्त है हैशटैग ऑलवेज ऑन दी फोन ऑलवेज ऑन दी फोन मैं यू कैन नेम योरसेल्फ अगेन ओके ऐसा है क्या हाँ बताओ बताओ हाँ मेरा दोस्त कौन आदित्य आदित्य दैट्स माय नेम हैशटैग पिक्चर परफेक्ट अच्छा पिक पिक क्लिक करता है करता नहीं जो दिखता भी है दोनों दो व्हाटएवर अच्छा दिखता है हाँ। पिक्चर्स में पिक्चर्स में हाँ। <laughs> पिक्चर में तो मैं भी अच्छा दिखता हूँ <laughs> <laughs> uh, कोई भी नहीं दिखता सब लोग दिखते हैं सब <laughs> लोग दिखते हैं सारे लोग दिखते हैं कोई, सारे दोस्त कोई एक कोई एक कोई।, कोई एक का नाम लोग कैसे ले सकता हूँ सारे अच्छे दिखते हैं यार हैशटैग कपल

खुशी नहीं कोई है नहीं ऐसे तो खुश हो रहे हैं किस्टर देखा आ गया ना ये इमोशनल जवाब ऑडियंस आजगी भागी भागी नहीं नहीं मैं दोस्तों के जोन में ही घूम रहा था और आपने बोला सेलिब्रिटीज तो मैं भूल चुका था कि कोई भी हो सकता ठीक है बिग बॉस एटीन आ रहा है रास्ते में है

क्योंकि मैं मैं वही आपको बोला मैं पहले से बहुत कंट्रोल में किएसिव था hmm. बट वो कैसा होता है गाली भी देते होंगे ना आप <laughs> गाली वाली यार इधर कहा कैमरे में नहीं बोला ऐसा कौन से देते हैं ऐसा यू कैन आप ऐसा शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हैं सबकी फेवरेट है वो पूरे भारत की कैसे प्रनाउंस करते हैं आप वो भी एक बड़ी ट्रिक है ना उसको, उसको उसका उच्चारण बहुत कुछ बदल देता है आप नहीं मैं ऐसे कंपटीशन किसी को नहीं मानता सब अपने अपने इसमें बहुत सही है मैं कंपटीशन खुद को मानता हूँ अच्छा कोई ऐसा क्रिएटर जो अवेलेबल है जिसका कंटेंट आपको भारत का देखकर अच्छा लगता है और इंस्पायर करता है वो आपको भी रहा। इसका अच्छा है चाहे कॉम्पिटिशन हो भले बट स्टिल मजा आता है कॉन्टेंट देखकर और मैं भी कुछ लर्निंग्स लेता हूं उससे दरअसल क्या है मेरे टाइप का कंटेंट बहुत अलग है मुझे एक्शन बनाना बहुत अच्छा लगता है बनाना। जो कि मैं खुद बनाता हूँ तो मेरा है एक दोस्त अबू सलीम करके वो अच्छा बनाता है एक्शन मतलब मुझे एक्शन वीडियोस उसके पैटर्न लगते हैं तो उसका मेरा थिंकिंग सेम है थोड़ा वीडियोस को लेके इसलिए ठीक है कमेंट्स पढ़ रहा था मैं नीता 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 नाम है आ, उनके साथ वीडियोस वगैरह तो बंद हो गई आपकी क्या बात क्या हुआ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है दरअसल हर <coughs> लड़का यही कहता है आ? आ? बट मैं सच कह रहा हूँ मैं वो हर लड़का नहीं हूँ <laughs> और आ, सीन कैसा है पहले हम लोग बहुत साथ में वीडियोस बनाते थे फिर बात तो सुन लो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है ना हाँ वही दिख रहा है आपके चेहरे आपको ही नहीं पूरे देश को इंटरेस्ट है आ, इस इसमें। तो पहले हम बहुत वीडियोस बनाते थे उस अलग अलग, अलग रिलेशनशिप में आते हैं तो उनके पार्टनर्स को प्रॉब्लम होने लगती है ये तेरी ये फ्रेंड क्यों ठीक है बट हम दोनों को वैसा कुछ था नहीं एक दूसरे के लिए हम एक लिमिट थे हमारे फ्रेंड है और जब मेरा उस टाइम पे था मतलब नॉर्मल सा सीन अलग hmm. और शी वॉज माई फ्रेंड मतलब अभी भी है बट hmm. उस टाइम पे वो जो मेरा जो था पार्टनर उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता था हाँ तो फिर उस टाइम पे मैंने वही तब से समझ आने लग गया कि यार ये रिलेशनशिप बहुत प्रॉब्लम करता है और uh, इससे अपने फ्रेंड्स hmm. का प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि यार ये तेरे फ्रेंड क्यों है ये तेरे फ्रेंड क्यों है तो वही मुझे वो टैग नहीं चाहिए था और वो भी बेचारी एक रिलेशनशिप में है तो हम दोनों ने एक डिसीजन लिया कि हम ही बात नहीं करते एक दूसरे के साथ क्योंकि लोग कैसा हमारा बहुत नाम जोड़ रहे थे एक दूसरे के साथ उसको काफी लोग कमेंट करते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मुझे काफ़ी लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते कि अरे तुमको लोगों को ऐसे लगता है उसने मुझे धोखा दिया बट दरअसल उसने मुझे धोखा नहीं दिया यार वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मुझे आज आज भी मेरे से बहुत अच्छे से बात करती है बट ऐसा है कि हम सोशल मीडिया पे नहीं दिखते क्योंकि अगर वापस हम लोग दिखेंगे तो वापस लोग वही नाम जोड़ना चालू करेंगे

यार आप चौथी बार पूछ रहे हो क्वेश्चन वापस में मजा आता है लड़की तो बताओ कैसी है आपने ये नहीं ना बताया कि कैसी लड़की चाहिए चौथी बार पूछे पहली बार पूछे लड़की कैसी चाहिए देखो लड़की कैसी भी हो मुझे अच्छी लगनी चाहिए और जिधर मुझे ऐसे लगे है कि कुछ कनेक्शन है तो मैं आगे बात बढ़ाऊंगा ऐसे मैंने सोच के नहीं रखा है कि यार ऐसी लड़की होनी चाहिए ऐसे नहीं हाँ एक होना चाहिए कि सपोर्टिव होनी चाहिए और मैं भी उसको दिल से सपोर्ट करूंगा और वो भी मुझे दिल से सपोर्ट करे

ऐसे नहीं उसको कैसे लगे क्या जज करेगा नहीं दिल से अच्छा लगता है तो बोलो मुंह पे कि अच्छा लगता है कहाँ आप ओम शांति की तरह शाहरुख खान जैसे पीछे गिर गया ऐसा गिर ना जाए यू नेवर नो वैसे हो भी सकता है नहीं ऐसा कुछ नहीं इतना भी नहीं ये पागल हूँ इतना होता तो फिर डीमोटिवेशन जो है ना वो ज़रूर होती है और हर महीने में दो तीन बार तो होती ही होती है

उस टाइम पे बहुत चिड़चिड़ा माइंड होता है बहुत तो वो एक कंट्रोल करता 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 और काम करता रहता करता रहता दोस्त लोग साथ में होते हैं हमेशा। ये, हमेशा हमेशा ये लोग तभी जाएंगे ना जब मैं ही इस चीज से पीछे दोस्त तो नहीं जाएंगे बस मैनेजर्स तो अगर कुछ काम ही नहीं कर रहा तो फिर मैनेजर्स तो बात बात तो बात बात तो भाईचारा पहले है, हमारे मैनेजर्स के पे कैसी फिल्में देखना पसंद है कैसे गाने सुनते हैं आप एक्शन मूवीज प्यार वाली मूवीज एक्शन मूवी क्रैक देखी आपने देखना आपका दिमाग क्रैक हो जाएगा ऐसी मूवी बनाई है ऐसी मूवी बनाई है कि क्या बताऊं? हाँ. हाँ ये ये दोनों जगह फिट हो सकता है मेरा रिएक्शन जहाँ पे भी फिट करना अपने हिसाब से देख लो जनता तो एक्शन आपको बहुत पसंद है एक्शन बहुत पसंद। फेवरेट हीरो एक्शन वाला बस साउथ के साउथ <laughs> अगर आपको कोई फिल्म करने का मौका दिया जाए जो ऑलरेडी रिलीज्ड है एज एन हीरो तो आप कौन सी करते रिलीज्ड है हाँ

आपको थोड़ा नहीं ऐसा नहीं लगता कि मीडिया थोड़ा सा लाइक गलत गलत करती करती है नहीं करती। गुणसा 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 नहीं 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 गुस्सा गुस्सा आता सीन तो 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 जो मीडिया मीडिया कुछ, -कुछ बहुत एंटी एंटी सवाल भी पूछते तो वो चीज कभी-कभी अच्छी लगती बाकी तो ऐसे मीडिया से आपसे लड़की कैसी चाहिए नहीं 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 पूछा उनको ऐसा कि अभी जैसे आपने बोला नीता की बात वही ज्यादा बार बार निकालती कि मैं क्या बोलूंगा बट मेरा तो एक ही रहता है जॉब तो बस अभी वो कम हो गई थोड़ी चीज़ अच्छा हुआ, हुआ कम हो गई अरे वंडरफुल ऐसा किसी का काम पसंद आए बहुत कोई नया आर्टिस्ट है कोई नया कंटेंट क्रिएटर आया है फॉलोअर्स भी कुछ नहीं आप ऐसा डीएम वीएम करते हैं उनको कि यार मजा आ गया काम लेकर होता है ना एक पर्सनली कि यार मजा आ गया आपका काम अच्छा है ऐसा डीएम नहीं बट ऐसे दिख गए तो मैं सामने से बोला कि उनको अप्रिशिएट करता हूँ काम बहुत बेस्ट कर रहा है अच्छा मतलब लोगों के पास वो पहुंच नहीं पा रहा तो कहता रहता कि तू करता रहे प्लीज रोहित के तीन मंत्र जो इंस्टाग्राम पे वो इस्तेमाल करता है अपनी ग्रोथ के लिए वो मैं जानना चाहता हूँ जनता के लिए बिकॉज देर आर अल्ट ऑफ पीपल जो अपना अपना हाथ पैर जो है वो मार रहे हैं एंड दे वांट टू बिकम गुड एंड उनके पास सब है पर गाइडेंस शायद एक चीज हो सकती है जो कमी हो तो रोहित से मैं okay. जानता था हूं। उस हिसाब से नहीं मैं हमें मतलब मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं बोल चुका बहुत कि जो भी करो सबसे अलग करो और कॉन्टेंट uh, ऐसा बनाओ कि उसमें से कुछ कोई रिलेट करे या कोई अच्छा मैसेज जाता हो या तुम्हें जो पसंद है वो करो और कॉपी मत करो किसी की

खाना ना होना चाहिए चाहिए हाँ. so uh, दिल से It was wonderful conversation, है ना? मजा है मजा 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 आया आपको बहुत पक्का आ गया जनता को मैसेज में चाहूंगा आप जरूर दे बिकॉज uh, वो आपका भर भरमार देखती है और आपको प्यार दुलार सब करती है हाँ उमड़ भी जाती है आप पर, पर उनका हक हाँ है उमड़ने है आई बिलीव उनको मैसेज एक गाय दिस इज़ मी रोहित झुंझुर प्लीज़ आप जो कर रहे हो वो करते रहो किसी कोई आपको गलत कुछ बोल रहा है या कुछ आपको गलत कॉमेंट्स कर रहा है उस पर ध्यान मत दो बस जो आप कर रहे हो वो करते रहो जो अच्छा लग रहा है वो करते रहो क्योंकि ये टाइम है काफ़ी सारे लोग हैं और काफ़ी सारे लोग दौड़ रहे इस चीज़ में जब हमारा टाइम था तब हमने खेल लिया hmm. बट अभी आपका टाइम है आपको भी खेलना है जो ये जनरेशन चल रही सोशल मीडिया पर तो बस इसको पकड़ के रखो और अच्छा सा कंटेंट बनाओ और एंड मेक समथिंग डिफरेंट कि जो किसी ने देखा ना हाँ ज्यादा जाते एक मुझे जस्ट याद आया अभी क्योंकि फैंस की बात करते हैं हम लोग ट्रोलिंग की भी बात कर रहे थे एलविश यादव से मैंने पूछा मैं यार जितने भी हम डिजिटल स्पेस वाले लोग हैं चाहे हम टिकटॉक से आए हैं या तमाम चीजें हैश छपरी बहुत डालते हैं हम लोगों को <laughs> है ना एलवेश मुझे बोलता है कि यार मुझे पता नहीं छपरी कैसे बोलते हैं लोग मैं जो लिखता है मैं उसकी प्रोफाइल में जाता हूँ उसकी शक्ल मुझसे भी गंदी होती है राइट एंड पता नहीं कैसे बोलते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं चीजों पे छपरी दरअसल क्या मैं हुँ। थोड़ा उस बैकग्राउंड से आया हूँ तो ये हम लोग पहले बोलते थे अभी ये सब नया नया नहीं लगता मेरे लिए छपरी छुपरी ये हम सब पहले बोलते थे अभी कुछ नया वर्ड लोगों लो... को बोला है लोगों को बोला आपने बचपन में ये सब छपरी छुपरी बोल के छोड़ दिया भाई अभी कुछ नया वर्ड लाओ तो बस जाएगा ये छपरी छुपरी नहीं पसंद अपने को छपरी कोई बोलता भी है तो हक से लगता है बचपन में दोस्त लोग बहुत बोलते थे

और जैसा कि आपका सपना है गरीब लोगों को स्थापित करना उनको वो तमाम चीजें देना प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं वो मुझे भी नहीं पता <laughs> लेकिन आप बिना बने भी बहुत कुछ कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर दैट फॉर दिस थैंक यू सो मच